ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गुड फ्राइडे पर नीमच के आशीष भवन चर्च में विशेष प्रार्थना रखी गई और वतन में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। गुड फ्राइडे के अवसर पर आशीष भवन चर्च में विशेष प्रार्थना का आयोजन हुआ और प्रवचन हुए। इस अवसर पर ईसाई धर्मालुओं ने भगवान यीशु मसीह को शिद्दत से याद किया। गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और सूली पर चढ़ने के बाद प्रभु यीशु ने कहा था कि हे परमात्मा इन्हें माफ करना, इन्हें अपनी गलतियों का पता नहीं है। इस अवसर पर आशीष भवन चर्च के फादर अशोक बेंजमिन ने गुड फ्राइडे का महत्व बताया। गुड फ्राइडे से पहले हम जो 40 दिन हमारे थे वो फास्टिंग डेज थे जो हमने पूरा किया और हम ईस्टर की ओर बढ़ रहे हैं और आज हमारा जो दिन था वो गुड फ्राइडे का दिन था जिसमें प्रभु यीशु मसीह को 2000 वर्ष पूर्व सलीब पर लटकाया गया था। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने बेटे यीशु मसीह को दुनिया में भेजा ताकि मानव जाति का उद्धार हो सके, पापों से मुक्ति मिल सके और पापों से क्षमा मिल सके। और क्रूस पर से जो प्रभु यीशु मसीह ने 7 वाणियाँ कही उसमें मानव जाति के लिए एक संदेश है, सारे विश्व के लिए एक संदेश। और क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह को, जो कि निष्पाप निष्कलंक थे और कोई अपराध नहीं किया था, निरपराध थे, उनको अपराधी बनाया गया और उन पर दोष लगाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया और सलीबी मौत दी गई। तो परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि एक मानव जाति का छुटकारा हो सके, जो पाप से हैं, पाप में हैं, उनके द्वारा से, उनके बलिदान से मुक्ति मिल सके। तो हम प्रभु यीशु मसीह के आज क्रूसिफिक्शन डे को मना रहे हैं। गुड फ्राइडे के अवसर पर बड़ी संख्या में ईसाई धर्मालु आशीष भवन चर्च पहुंचे और विशेष प्रार्थना की तथा वतन में खुशहाली और समृद्धि की कामना की।